एक जंगल में एक तालाब था। उस तालाब में बहुत से जीव रहते थे। उसी तालाब के पास एक बूढ़ा बगुला भी रहता था, जो कि बहुत बूढ़ा हो जाने के कारण मछलियों का शिकार करने में असमर्थ था, जिसके कारण अक्सर उसे भूखा ही रहना पड़ता था। एक दिन जब बगुला तालाब के किनारे बैठा था, तब उसे एक तरकीब सूझी और बगुले ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। नहीं, नहीं। बगुले को रोता देख तालाब में से एक केकड़ा बाहर आया और उसने बगुले से पूछा, क्या हुआ बगुले, क्यों रो रहे हो? अरे केकड़ा भाई, मैंने एक आकाशवाणी सुनी है, जल्द ही इस तालाब का पानी सूख जाएगा और यहाँ के सभी जीव मर जाएंगे। इसी कारण मेरे आंखों में आंसू है। मेरी माँ कहा करती थी, हमें सदैव दूसरों का भला करना चाहिए। केकड़े ने यह बात तालाब में जाकर सभी को बताई। यह सुन सभी जीव मदद लेने के लिए बगुले के पास आए और बगुले से बोले, बगुले भाई, क्या आप हमें सुरक्षित स्थान तक पहुंचा सकते हैं? हाँ दोस्तों, यहाँ से थोड़ी सी दूरी में ही एक और तालाब है, मैं तुम सब लोगों को कुछ ही दिनों में वहाँ पहुँचा दूंगा। सभी जीव बगुले की बात मान गए। बगुला एक एक करके मछलियों को ले जाता और एक चट्टान पर जाकर उन्हें खा जाता। अब बगुला बहुत खुश था, क्योंकि बिना किसी मेहनत के अब उसे उसका भोजन मिल रहा था। कुछ दिन तक यह सब चलता रहा। फिर एक दिन केकड़े की जाने की बारी आई। केकड़ा बगुले की पीठ पर बैठ गया और बगुला उड़ चला। कुछ दूरी पर जाकर केकड़े ने बगुले से पूछा, क्यों बगुले भाई, सब मछलियाँ खुश तो है ना वहाँ जहाँ तुम मुझे ले जा रहे हो? बगुले ने सोचा, इसे भी अब सब कुछ सच सच बता ही देता हूँ, क्योंकि अब तो मैं इसे खाने ही वाला हूँ। नहीं नहीं, मैंने तो झूठ कहा था, ऐसा तो कोई तालाब ही नहीं है। और हाँ, जो मछलियाँ मैं ले गया था वो सारी मछलियाँ मेरे पेट में खुश हैं। और अब तू भी वही जाने वाला है। केकड़े ने सोचा, यदि ये बगुला जीवित रहा तो उसका और उस तालाब के जीव जंतुओं का जीवन संकट में आ जाएगा। केकड़े ने अपने तेज पंजे बगुले की गर्दन में गाड़ दिए। केकड़े ने बगुले से कहा, तुमने हम सबको धोखे में रखा, ये तुमने अच्छा नहीं किया, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। इस तरह केकड़े ने बगुले को मारकर अपनी जान बचाई। केकड़े ने यह बात वापस तालाब पर जाकर सभी जीवों को बताई। सभी जीवों ने केकड़े की बहुत तारीफ की और उसे बहुत बहुत धन्यवाद किया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।